भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन व्यूअर्स। आज उस मुद्दे पर बात करेंगे कि जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, महापंचायत की बात नहीं करेंगे। आज तमाम राज्यों में होने वाले अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जनता क्या क्या कुछ कहना है उस पर भी बात नहीं करेंगे। आज बात दरअसल करेंगे उस बात पर कि जिसको आप सुना चाहते हैं, क्योंकि भारत एट नाइन में वही चलता है जो आप तय करते हैं। तो दर्शकों, एक बार फिर से वो आदमी जाग गया है, जो आदमी ये दावे करता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। ये सुनने में कितना बेवकूफाना लगता है, लेकिन उससे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। दर्शकों, सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई तब हम सभी दुखी, क्योंकि एक उभरता हुआ सितारा थे सुशांत सिंह राजपूत, और उनकी मौत हो जाने के बाद पूरा देश इस पर बातचीत कर रहा था कि आखिर क्या हुआ। सीबीआई की मांग भी हुई, तमाम तरीके की वहां पर चीजें थी जो निकलकर सामने आ रही थी और बड़े बड़े डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे थे। हालांकि अभी तक कुछ भी ऐसा निकलकर सामने नहीं आया है कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई हो। अब सिद्धार्थ शुक्ला की, जो आपको बता दें कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसके बाद एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। कई लोग एक बार फिर से सीबीआई जांच जैसी बातें करने लगे हैं, मांग करने लगे हैं, लेकिन इस बार उनकी फैमिली ने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कट द क्रैप, सीधे कह दिया है। तो दर्शकों, इस बार एक बार फिर से वही शख्स जागा है जिसका नाम है स्टीव हफ। एक बार फिर जागा है और कह रहा है कि मैंने सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा से बात की, बहुत ही नॉर्मल सी ये बात, लेकिन ये क्यों हमको चिंता में डालती है? इसलिए क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में हजारों कॉलेजेस हैं, इंडिया में लाखों करोड़ों छात्र हर साल पास होते हैं, विदेश भी जाते हैं, यहां की भी तमाम नौकरियों में रहते हैं। इंडिया बड़ी तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है, हम बड़ी तेजी से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जब साइंस की बात हो रही होती है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही होती है, तब ऐसे में ये चीज सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे ये लोग हमारे बीच में आते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, और हम लोगों के बीच में जो बातें चल रही हैं उनका फायदा उठाकर ये विदेश में बैठे लोग हमारे बीच आते हैं, एंड दे प्रिटेंड लाइक दे आर सो सुपीरियर, दे कैन टॉक टू यू नो स्पिरिट्स। और हम भारत के कई लोग ऐसे भोले वाले हैं जो आज भी उस गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आ सके, जो आज भी सोचते हैं कि वेस्ट या अमेरिका के हैं तो हाँ होता होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कोई बात बता दो, ये जितने अमेरिकी, ये जितने वेस्ट के लोग हैं, ये आज भी भारत से बहुत पीछे हैं, क्योंकि इन्होंने इतिहास को छीना है। ये कोशिश तो बहुत करते रहे कि ये टेक्नोलॉजी हमने विकसित की, लेकिन कई साल पहले ये हमारे भारत में भी विकसित हो चुकी थी। लेकिन डिरेल नहीं करेंगे मुद्दे को, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आज भी क्यों युवा इस जैसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहा है, जो व्यक्ति अमेजोन से मंगवाया गया एक डमरू लेकर, एक डमडम लेकर, एक बॉक्स लेकर, एक इतना बड़ा खिलौना लेकर एक्टिंग करता है, भरे रहा एक्टिंग करता है और खूब वीडियो में ऐसी फालतू बकवास करता है, अंधेरा करता है, साउंड करता है और पूरा माहौल क्रिएट करता है, और इस पर लोग भरोसा करते हैं, लोग सुनते हैं, लोग सोचते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इन सेलिब्रिटीज के फैंस थे। तो ये उनके दिमाग के साथ खेल रहा है, ये उनके दिल के साथ खेल रहा है, और अंधविश्वास की आड़ में लोग अपने आप को इस जैसे ड्रामेबाज के सामने खेलने दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे ये व्यक्ति आपके साथ खेल खेल रहा है, इस पूरे मामले पर अंधविश्वास को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट को पहले देखिए। मानव मन बड़ा ही अजीब है। कहां विज्ञान के विकास के साथ हम सोचते थे कि मनुष्य तर्कवादी बनेगा, अंधविश्वास से दूर भागेगा, किसी भी रीति रिवाज को मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसेगा और फिर उसे मानेगा। लेकिन जिस तरह से चीजें घटित हो रही हैं और लगातार लोग बाबाओं, मौलवियों और हकीमों के चक्कर में पड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि हम उल्टा चलने लगे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि विकासशील भारत में अब कुछ विदेशी आत्माओं से बात करने का दावा करते हुए यहां घुसपैठ कर रहे हैं और यहां के भोले भाले लोगों को अपना फॉलोअर बनाकर पैसा कमा रहे हैं, तो आप शायद विश्वास ना कर सकें।
दरअसल बीते साल सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही एक चेहरा एकाएक सामने आया जिसने दावा किया कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है और देखते ही देखते उस शख्स ने लाखों फॉलोअर कमा लिए। आज एक बार फिर वही शख्स सामने आ गया है और दावा कर रहा है कि उसने सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा से बात की है। अमेज़न से ऑर्डर किए हुए सस्ते डब्बे को लेकर स्टीव हफ नाम का ये ड्रामेबाज लोगों को झूठी दुनिया की सैर करा रहा है और अंधविश्वास के गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। विडंबना है कि आजादी के 7 दशक बाद भी हमारा समाज अंधविश्वास के गर्त से बाहर नहीं निकल पाया। कहने को तो हमारे देश की साक्षरता 74% है, लेकिन अंधविश्वास की घटनाओं के ग्राफ में रॉकेट की ऊंचाई बताती है कि अभी हम काफी पीछे हैं। सोचने की बात यह भी है कि समय के साथ विज्ञान के विकास के बाद जिस आडंबर और अंधविश्वास का अंत होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो सका है, बल्कि दुख की इस बात का है कि आधुनिक व शिक्षित पीढ़ी भी इस मार्ग का अंधानुकरण करती जा रही है। स्टीव हफ के इस फर्जी ड्रामे को ज्यादातर युवा और पढ़े लिखे लोग ही देख रहे हैं, जो कि चिंता का कारण है। हम युवाओं को समझाने के लिए आज स्टीव हफ की पूरी कुंडली के बारे में जानेंगे। काला जादू, भूत प्रेत, मानव व पशु बलि, डायन प्रथा, बाल विवाह से लेकर कांच के टूटने, बिल्ली के रास्ता काटने, पीछे से टोकने व कई गणितीय अंकों को भी अंधविश्वास के नजरिए से परखा और जांचा जा रहा है। दिन व कपड़ों में भी आपको अंधविश्वास का असर देखने को मिल जाएगा और अब बड़े चेहरों की आत्माओं से बात करने की फर्जी बातें करके लोग सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे बल्कि उनके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं और एहसासों का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये काम कर रहा है स्टीव हफ नाम का ये विदेशी शख्स। इसकी पहचान ये है कि ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ अमेरिका के एरिजोना स्टेट में रहता है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पैरानॉर्मल गतिविधियों की जानकारी शेयर करता है। YouTube पर 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले स्टीव हफ बीते कई सालों से आत्माओं से संपर्क करने, उनसे बात करने और उनकी तस्वीरें खींचने का दावा करते रहे हैं। अपने शौक के चलते वो कुछ साल पहले अमेरिका की पॉपुलर रियलिटी सीरीज पैरानॉर्मल लॉकडाउन में भी नजर आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उसका कहना है कि उन्हें बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजकर उनकी आत्मा से संपर्क करने का आग्रह किया था, जैसा कि अब सिद्धार्थ शुक्ला के बाद वो यही बात कह रहा है। इससे पहले स्टीव हफ हॉलीवुड एक्टर रॉबिन विलियमसन, गायक माइकल जैक्सन और वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन जैसी अनगिनत हस्तियों से हुई कथित बातचीत के वीडियो भी जारी कर चुका है। YouTube चैनल के अलावा स्टीव हफ वेब पोर्टल huffparanormal.com भी चलाता है। इस पर उसने अपने पैरानॉर्मल साइंटिस्ट बनने के कई अनुभव बांटे हैं। इनमें से ज्यादातर अनुभव जहां एंजेल, डेविल और आत्माओं से बातचीत का दावा करते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जिनमें कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रेडियो डिवाइसेस की जानकारी दी गई है जिनका इस्तेमाल पैरानॉर्मल गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। स्टीव हफ अपने वेब पोर्टल पर यह घोषणा भी करता है कि वो यहाँ पर जो भी पोस्ट करता है वह नकली या किसी सनके हुए दिमाग की कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक घटनाएं हैं। इसके अलावा ये स्टीव हफ photo.com भी चलाता है। यहाँ वो तमाम तस्वीरें शेयर करता है और अलग अलग तरह के कैमरों पर बातचीत या उनकी समीक्षा करते हुए दिखता है। इस वेबसाइट पर तो वो तस्वीरें खींचने के शौकीन किसी आम फोटोग्राफर जैसा ही नजर आता है, लेकिन उनके शौक से जुड़ी खास बात ये है कि वो कथित तौर पर पैरानॉर्मल छवियों और दृश्यों को भी अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता रहता है। पैरानॉर्मल गतिविधियों वाली उसकी वेबसाइट पर मौजूद ऐसी सबसे ध्यान खींचने वाली तस्वीरों में से एक उसके पालतू कुत्ते की आत्मा की तस्वीर भी शामिल है। खुद को इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन ITC रिसर्चर बताने वाला स्टीव हफ उसके मुताबिक उसने 8 साल की मेहनत के बाद एक डिवाइस बनाया है जो आत्माओं की बातचीत को स्पष्ट ऑडियो में बदल सकता है। इसे उसने हफ रिपीट बॉक्स नाम दिया है। यह रिपीट कम्युनिकेशन डिवाइस 3-स्टार रेटिंग के साथ amazon.com पर भी बेचा जा रहा है, लेकिन इस समय यह आउट ऑफ स्टॉक है।
इस डिवाइस के डिस्क्रिप्शन में एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली लिखा हुआ है, जो साबित करता है कि ये व्यक्ति अमेजॉन से एक डिवाइस ऑर्डर करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है और जिसके बारे में बताते हुए हफ अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि केवल यह डिवाइस भरात्माओं से संपर्क करने के लिए काफी नहीं है। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए यह लाइन डिवाइस के डिस्क्रिप्शन में जोड़ दी गई है। स्टीव हफ से पहले कई भारतीय पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भी सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से संपर्क करने का दावा किया था, जैसा कि आज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बातचीत का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि वो भी कोई नई या ठोस बात कह पाने में सफल नहीं हो सके थे, लेकिन उन संपर्कों में उनसे सीधी बातचीत होने की बात नहीं कही गई थी। इन दिनों यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया मंचों पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, मेंटल काउंसलर जैसे प्रोफेशनल्स के उन वीडियोस की भरमार देखी जा सकती है, जिनमें वो मरे हुए सेलिब्रिटीज की मौत या उससे जुड़े रहस्यों पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भारत एट नाइन में आज हम ये बात खुलकर कहना चाहते हैं कि इस तरह की ढकोसलेबाजियों, इस तरह की फर्जी वीडियो से बचने की जरूरत है, क्योंकि आपके इमोशंस के साथ खेल रही हैं, क्योंकि आपके इमोशंस के जरिए अधिक नाम और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, ये रिपोर्ट आपने देखी, इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की आपको कि कैसे भारत में अभी भी, जब हम इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं, तब भी भूत प्रेत पिशाच और तमाम चीजों की डर दिखा के, चीजों को दिखा के आपको अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ कर ये ड्रामेबाज बाबा, ये ड्रामेबाज मौलवी, ये लोग किस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, किस तरीके के कृत्य करते हैं, आपको फंसाते हैं। और ऐसी चीजें हमने देखी हैं। क्या हमने आसाराम बापू के केस में ये सब नहीं देखा? क्या हमने आसाराम के केस में नहीं देखा कि क्या हमने स्वामी ओम जैसे ढकोसलेबाज लोगों को भी देखा, जो ड्रामेबाजी की सारी इंतहाएं, सारी परतें खोल चुके? लेकिन फिर आज के समय में लोग इनके पास जाते हैं, इनके बहुत सारे इनके फॉलोअर्स, और ये हर धर्म का किस्सा है, हर धर्म में ऐसे लोग मिलते हैं। थोड़े दिनों पहले ही इशू तू मेरा इशू करके गाना वायरल हुआ था, उस वायरल गाने में कितनी इंतहाई ड्रामेबाजी। एक शख्स मंच पर खड़ा होता है, हाथ देता है, लोग पीछे गिरते हैं, और ये सब अंधविश्वास उन लोगों के सामने हो रहा है जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं। ये बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हैं, क्योंकि अंधविश्वास जो है कहीं ना कहीं आपको आज भी गुलामी की मानसिकता जो है उसमें ढकेलता है। अंधविश्वास अगर होगा तो आप कभी भी साइंटिफिक तरीके से ना तो खुद आगे बढ़ पाएंगे, ना आप देश को आगे बढ़ाने में कोई सहयोग दे पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं निकलकर बार बार क्यों सामने आती हैं? सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में जब यह शख्स बोला था, स्टीव हफ की बात कर रहा हूं, जब यह शख्स बोल रहा था, खूब झूठ बोल रहा था, खूब ड्रामेबाजी कर रहा था, लेकिन लोग इसको देख रहे थे और युवा इसको अधिक देख रहे थे, यह चिंता की बात है। लेकिन सोचने का समय है और वक्त है कि वो स्टीव हफ तो हमारे भारत से लाखों फॉलोअर्स उड़ा ले गया, हमारे भारत से लाखों लोगों को, आपको बता दूं कि बेवकूफ बना ले गया, और लाखों लोगों के साथ उसने खिलवाड़ किया। उनके जो मानसिक जो ट्रॉमा था, जो अपने एक सेलिब्रिटी को खो देने का, अपने आइडल को खो देने का, उसके साथ उसने खेला, उनकी भावनाओं के साथ खेला, और वो खूब सारे फॉलोअर बटोर कर विदेश निकल गया। एक बार फिर वो आप सबके सामने आया है, इस बार कह रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ पहले बात की है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये एक झूठ है, ये एक फर्जी पना है, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, इस झूठ की कोई सीमा नहीं, ये ड्रामेबाजी है। क्योंकि जो ढक्कन लेकर वो बैठता है ना, जो ढक्कन लेकर, वो ढक्कन अमेजॉन पर सस्ते मध्य रद्दे प्राइजेस पर बिट रहा है। मतलब आप भी जाइए और उस ढक्कन को लेकर आइए, और उस ढक्कन के सहारे आप भी कह सकते हैं कि मैंने उससे बात, मैंने इससे बात की। थोड़ा सा सोचिए, अगर ऐसे बातें होने लगती तो कानून तो होता ही नहीं, मतलब जस्टिस तो होता ही नहीं, मतलब कि ये जो अदालतें बनाई गई हैं ये तो होती ही नहीं। क्योंकि जिसका भी मर्डर हुआ है उससे अगर हमको बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं, जिससे भी हम बात करना चाहें उससे हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी किसी भी तरह से सोचने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि जिस तरीके की ये जो चीजें निकलकर बार बार सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट युवाओं पर जो चोट कर रही है, युवाओं के माइंड के साथ जो खेल रही है, वो चीज गलत है। और वो क्यों गलत है,
इसलिए आपको बताता हूं कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो कई लोगों ने उसे अपने अपने तरह से मारने की कोशिश की, कई लोगों ने कई तरीके की कहानियां बनाई और खूब सारे फॉलोअर बटोरे, खूब सारे पैसे बटोरे। लेकिन आज सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद वही ड्रामा नहीं होने देना है और उन्हीं लोगों को दोबारा से कैरेक्टर में वापस नहीं आने देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद किस तरीके का जो मंजर था वो रहा था और किस तरीके से उनके फैंस परेशान थे। ये सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के दिन तैयार की गई एक रिपोर्ट है जिसको आपको देखना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए। तारीख 2 सितंबर 2021, वक्त सुबह के 11 बजे एक खबर आई जिसने पूरे देश को एक बार फिर चौंका दिया। इस खबर ने फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वालों की आंखों में आंसू ला दिए। सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक खबरों में सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला नजर आने लगे। सिद्धार्थ शुक्ला वो सितारा जो अब आसमान से अपनी चमक बिखेरेगा। सिद्धार्थ शुक्ला की अकस्मात मौत कई सवाल खड़े करती है। सिद्धार्थ की मौत किस वजह से हुई, अभी साफ साफ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कूपर अस्पताल की माने तो सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और अगर वजह सिर्फ यही है तो डरने की जरूरत है, क्योंकि हष्ट पुष्ट दिखते एक नौजवान का दिल अगर ऐसी स्थिति में भी साथ छोड़ सकता है तो जिंदगी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इन्हीं सब कारणों के चलते स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ की मौत की ही तरह उसकी वजह पर भी लोगों को भरोसा करने में दिक्कत हो रही है। दरअसल सिद्धार्थ को चुस्त और दुरुस्त एक्टर्स में शुमार किया जाता है। देखकर लगता भी है कि एक्टर फिजिक पर कितना ध्यान देते रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ इसके लिए घंटों एक्सरसाइज के अलावा संतुलित जीवन शैली फॉलो करते होंगे। बावजूद उनके दिल ने धोखा दे दिया, सिद्धार्थ की मौत का संकेत खतरनाक है। यानी चुस्त दुरुस्त लोग भी हार्ट अटैक के जानलेवा हमले की जड़ से बाहर नहीं है, जबकि डॉक्टर ऐसे मरीजों को सेहतमंद रहने के लिए व्यायाम की सलाह देते हैं। सिद्धार्थ के परिवार में उनकी माँ और दो बहनें हैं। इंजीनियर पिता की मौत काफी पहले ही हो चुकी है। सिद्धार्थ का जन्म 12 दिसंबर 1980 में मुंबई में हुआ था। एक्टिंग में आने से पहले सिद्धार्थ मॉडलिंग किया करते थे। उन्हें इला अरुण के म्यूजिक वीडियो रेशम का रुमाल की वजह से पहली बार खूब सुर्खियां मिली थी। इसमें उनके साथ मोनालिसा भी थी। 2008 में उन्होंने सोनी टीवी के शो बाबुल का आंगन छूटे ना से एक्टिंग डेब्यू किया था। उन्होंने कई और शो किए मगर बालिका वधु ने उन्हें सबसे बड़ी पहचान दिलाई।
बालिका वधु उनके करियर का बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ। ২০১৪ में सिद्धार्थ शुक्ला ने वरुण धवन की हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड डेब्यू किया। वो सपोर्टिंग किरदार में थे। एक साल बाद इंडिया गॉट टैलेंट 6 को भारती सिंह के साथ होस्ट किया। कई और रियलिटी शो और म्यूजिक वीडियो ने उन्हें पहचान दी। बिग बॉस 13 जीतने के बाद वो लोकप्रियता के सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच गए थे और सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचने के बाद वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन ये सितारा धरती पर अब भले ही ना रह गया हो, आसमान में अपनी चमक बिखेरता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। दोस्तों, ये वो रिपोर्ट्स थी जिसको लेकर आज मैं आपके सामने आया। इसको दिखाना आपको बहुत जरूरी था। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसे लोग आते हैं और कई तरह की झूठी बातें करते हैं, कई तरह की, और ऐसे लोगों को एक्सपोज समय समय पर किया जाता रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये ऐसे मंत्र देते हैं, ऐसी चीजें पढ़ाते हैं, ऐसी पट्टियां पढ़ाते हैं जिसकी वजह से लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। ये लोग लोगों से तरह तरह की चीजों को ले जाते हैं, वो किसी भी तरह की हो सकती है। और डिजिटल युग में ये अंधविश्वास उस लेवल पर पहुंच चुका है कि लोग YouTube पर आकर समझते हैं पहले तो कि अच्छा ठीक है, इस सेलिब्रिटी के साथ ये घटना हुई तो मैं ये ढकोसलेबाजी, ये ड्रामेबाजी करूंगा। और वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। तो स्टीव हफ जैसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। स्टीव हफ जैसे लोगों को बिल्कुल मत देखिए, इनको बॉयकॉट करिए, इनको किनारे रखिए और इन जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। इनके आपको ये जहां मिलते हैं, जहां भी दिखते हैं, इनकी वीडियोज अगर आपके सजेशन में आती है तो इनको क्रॉस करिए, इनको बिल्कुल देखना बंद करिए। यही इन लोगों का असली पनिशमेंट होगा। जो लोग हमारे हमारे इमोशंस के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, उनको रोकना, उनको टोकना, उनको बॉयकॉट करना और उनको सीधे कहना, गो बैक, डोंट नीड टू बी हियर राइट नाउ। गुड नाइट एंड थैंक यू।